हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में। गाइस, आज मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स किस तरह से आपको इंटरव्यूअर के सामने बताना है या फिर किसी भी पर्सन के सामने बताना है, तो आप अगर उस तरह से बताएंगे तो आपका इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है हर चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा #transformer1 में मैं जो है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के बारे में बताया हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर के एक बार देख लीजिए, क्योंकि ब्रीदर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैं जो है उस वीडियो पे दिया हूँ। गाइस, अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में। गाइस, बेसिकली क्या देखा गया है कि इंटरव्यूअर के सामने बहुत से बंदे डायरेक्ट बताने लगते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बताना है। अभी मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से अगर आप बताएंगे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप जो है एक टेक्निकल पर्सन है और टेक्निकली उस चीज़ को समझाना या और एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इंटरव्यूअर के सामने जो है आपको बताना है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आप बताएंगे कि पावर ट्रांसफार्मर जो है दो टाइप्स का होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा सब स्टेशन ट्रांसफार्मर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा हमारा हो गया PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तीसरा, कोर डिज़ाइन के हिसाब से भी जो है ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो सेल टाइप और दूसरा हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। चौथा, बेस्ड ऑन स्टेपिंग यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पांचवा, बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम के हिसाब से जो है हमारे ट्रांसफार्मर को जो है चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ONAN यानी कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, दूसरा ONAF यानी कि ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, तीसरा OFAF यानी कि ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड, चौथा OFAN यानी कि ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल। गाइस, ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि फोर्स्ड और नेचुरल, फोर्स्ड का मतलब हो गया ये जो हमारा ऑयल है इसे जो है एक पंप के थ्रू जो है फोर्स देकर के घुमाया जाता है, और जो ये एयर को जो फोर्स दिया जाता है ये हमारे ट्रांसफार्मर के जो रेडिएटर होते हैं उस रेडिएटर में जो है फैन लगाया जाता है, और उस फैन से जो है हमारे ट्रांसफार्मर के उस ऑयल को जो है कूलिंग किया जाता है। गाइस, लास्ट यानी कि सिक्स्थ है फेज के हिसाब से। फेज के हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला सिंगल फेज और थ्री फेज। तो गाइस, मैंने अभी आपको जिस तरह से बताया इस चीज को, अगर आप इस तरह से इंटरव्यूअर के सामने रखते हो तो एक क्लियरली जो है इंटरव्यूअर के सामने जो है ना आपका एक इमेज बन जाएगा कि नहीं, इस बंदे को अगर मैं लेता हूं तो इसका जो है टेक्निकली नॉलेज बहुत शार्प है और ये जो है हमारे प्लांट के लिए और भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो जिसके वजह से आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बहुत जल्दी ग्रो करने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसके कारण गाइस, आपको इन सब बातों के ऊपर ध्यान देते हुए अगर आपसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में, तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इसे जो है आपको ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में बताना है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है, और अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।